मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएमवेली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी। क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड प्लस 2 शॉप्स रेडी होने पर है। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल है। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट करें। मातोश्री में पाया गया 4 फीट लंबा कोबरा, किया गया रेस्क्यू। तुर्बे में खदान में तैरने गए 22 वर्षीय युवक की डूबने से हुई मौत। शराबी कार चालक ने मुंबई गोवा हाईवे पर 4 कारों को मारी टक्कर, 3 की मौत, 6 घायल। मध्य प्रदेश के भिंड में पेट्रोल पंप पर हुई रॉबरी के लाइव सीसीटीवी फुटेज। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर की एचआर तेज खबरों में आपका स्वागत है। आज की हमारी पहली एचआर तेज खबर मुंबई के बांद्रा परिसर से है, जहां पर शिवसेना प्रमुख दिवंगत बालासाहेब ठाकरे का बंगला मातोश्री, जहां अभी फिलहाल उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ये उनके बेटे और पौत्र रहते हैं। सोमवार 7 अगस्त को यहां पर अचानक मातोश्री के एक हिस्से में 4 फीट का जहरीला कोबरा पाया गया। उसके बाद इस कोबरा को रेस्क्यू किया गया और फिर इसे ले जाकर जंगल में छोड़ा गया। किस तरह से मातोश्री से कोबरा रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करने वालों के साथ उद्धव ठाकरे ने कैसी सेल्फी भी खिंचाई है, तस्वीर भी खिंचाई है, देखिए। अभी चलो चार तेज खबरों में हमारी दूसरी खबर नवी मुंबई के तुर्भे परिसर से, या इंदिरा नगर स्थित एक खदान में 6 अगस्त को शाम के समय हिमांशु मात्रे, उम्र 22 वर्ष नामक युवक, अपने मित्रों के साथ नहाने के लिए गया था। खदान में बने हुए बारिश के पानी से तालाब में नहाने गया था, मगर अंदर पानी की गहराई का अंदाजा न आने की वजह से हिमांशु डूब गया। रात के समय अंधेरे के वक्त उसका लाश का सर्च ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो पाया। 7 अगस्त को यह ऑपरेशन जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट और फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से पूरा किया। किस तरीके से ये सर्च ऑपरेशन किया गया और हिमांशु की लाश को बरामद किया गया पानी में से, देखिए। एचआर तेज खबरों में हमारी अगली खबर मुंबई गोवा हाईवे से, यहां पर बनास्त्रीम परिसर में एक मर्सिडीज कार चालक ने, जो शराब के नशे में धुत था, इसने बेहद तेज गति से कार चलाते हुए 4 अन्य कारों को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे। गोवा पुलिस ने बाद में इस कार चालक को परेश उर्फ श्रीपाद ए सिनाई सावरडेकर, उम्र 48 वर्ष, इसको गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ रैश ड्राइविंग, ड्रिंक ड्राइव और लापरवाही से गाड़ी चलाना, ऐसे विभिन्न धाराओं तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सोमवार को उसको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि दुर्घटना के बाद ये वहां से फरार हो चुका था। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का इस दुर्घटना को लेकर कहना है कि दुर्घटना के वक्त कार एक महिला चला रही थी, क्योंकि सावरडेकर, परेश उर्फ श्रीपाद सावरडेकर के साथ कार में महिलाएं भी मौजूद थी। फिलहाल गोवा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और आगे की जांच की जा रही है। चार तेज खबरों में हमारी अगली खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है। यहां पर भिंड में गोरमी परिसर में एक पेट्रोल पंप, 3 बदमाशों ने लूट लिया। उस दौरान कैशियर अनीस खान को गोली भी मारी, पैर में गोली मारने की वजह से अनीस खान बुरी तरह से घायल हुए। 3 बदमाश जो है वो कैश लेकर फरार हो गए। ये पूरी वारदात कैश लूटने की अनीस खान से सीसीटीवी में कैद हुई है। ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए फौरन जांच पड़ताल करते हुए मुरैना से
इसमें से एक बदमाश को गिरफ्तार किया है और अन्य दो बदमाशों की पुलिस द्वारा खोज जारी है। तीनों बदमाश मुरैना के बताए जा रहे हैं। ये थी हमारी आज की एचआर तेज खबरें। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली एचआर तेज खबरों के साथ।